लगाने वाले और इस मदरसे को ऊंचे पायदान पर और राजस्थान में इसको एक अहम मुकाम दिलाने वाले इस मदरसे के सेक्रेटरी आली जनाब हाजी मोहम्मद रफीक साहब को इस शेर के साथ इस सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, काम है परवाज तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है आली जनाब। थोड़ा और नजदीक ले लो ना। जो अब तक काम हुआ है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मदरसा अरबिया इस्लाम मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुरी बूंदी में मुख्यमंत्री मदरसा जन सहयोगी योजना 21-22 के तहत कक्षा कक्ष माहौल का हाल का इफ्तिताह में माननीय जनाब एमपी चौकीदार साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय हरिमोहन जी शर्मा वशिष्ठ अतिथि, श्रीमती मधुनवाल वशिष्ठ अतिथि, सतीश शर्मा जी अतिथि, भगवान लाल जो मेरे प्रधान भी रहे, ये मेरे प्रधान रहे, वो आज किसी वजह से आ नहीं सके, उन्होंने मेरे से वादा किया था। लड्डू भाई उपसभापति नगर परिषद बूंदी, त्रिलोक चंदी मीणा जल जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बूंदी, नूरुद्दीन साहब एडवोकेट, इन सबका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। इस संस्थान का इतिहास काफी पुराना है, ये बूंदी का सबसे पुराना मदरसा है जो स्टेट टाइम से ही रजिस्टर सोसाइटी द्वारा चलता आ रहा है और आइन के मुताबिक चुनाव कराए जाते हैं। सन 1995 में के चुनाव में मरहूम मौलाना निजामुद्दीन साहब नूर शेर का ये बूंदी को सदर मरहूम अशफाकुल्लाह साहब खजांची को जनरल सेक्रेटरी मुझे को बनाया गया, हमने मदरसे की जिम्मेदारी निभाई। मैं बीडी ऊपर से रिटायर होने के बाद 1995 से अब तक जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहकर इस मदरसे में खिदमत दे रहा हूँ। सन 2007 के चुनाव में फिर से मरहूम हाजी अशफाकुल्लाह साहब को मदरसा सदर और मुझे जनरल सेक्रेटरी चुना गया। इस मदरसे को इन बुलंदियों तक पहुंचाने में बूंदी के दानिशवर लोग खास तौर से मरहूम हफीजुद्दीन साहब फील्ड मदरसे को, पहले ये उच्च प्राथमिक था जिसकी मान्यता नहीं थी, स्थायी मान्यता उच्च प्राथमिक विद्यालय को 1996 मान्यता, सेकेंडरी 205, सीनियर सेकेंडरी 208, मदरसा बोर्ड से मान्यता 2003। मदरसे में 2003 से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसे में 2022-23 में जो नामांकन है उनमें 108 तक 203 लड़कियां, 230 लड़के, इस तरह से 423, 9 से 12 तक 62 लड़कियां, 55 लड़के, 62 लड़कियां, 55 लड़के, 117 एलकेजी, एचकेजी 18 और 20, इस तरह से इस मदरसे में 578 बच्चे दुनियाई और दीनी तालीम ले रहे हैं। एक कमरा श्री मौलाना फजलक साहब द्वारा, दो कमरा फैमिली चौकदार साहब द्वारा, एक हॉल, जो इसका शुरुआत जो है तो इसको 3 साल लगे हैं बनाने में, 3 साल लगे हैं। इसके पहले ये पहला मौका है, पहले मदरसा बोर्ड से चेयरमैनों ने जो मंजूरी दी है वो उनका आना नहीं हुआ, उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद ये मदरसे कमरे तैयार हुए। बड़ी खुशकता है हमको कि आज चौकदार साहब इस में
आकर इसका उद्घाटन किया। ये पहला मौका है कि कोई अध्यक्ष जो है सदर यहाँ पर आया, सांसद विधायक को नवाजा गया है। बालिक शिक्षा में ये मदरसा आगे रहा है। वर्तमान में भी यहाँ 283 बालिकाएं दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही है। 216 में यहाँ इंग्लिश मीडियम मदरसे की शुरुआत की गई है। मैं गुजारिश करूंगा कि हर मदरसे में इंग्लिश मीडियम चालू हो जाना चाहिए। आमीन होगा सर। अल्लाह अंसारी ने सत्र 21-22 में 90% अंक के साथ बाकी बोर्ड उत्तीर्ण, इसका आदेश मुझे आज ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि क्या ऐसा पेरेंट्स जो लगे हुए हैं गाँव में उनके पास कंप्यूटर ही नहीं है। जिला शिक्षा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से फॉलो करके आप इसके बारे में मुझे शीघ्र आदेश देवे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अंग्रेजी गणित और विज्ञान का पैराग्राम की व्यवस्था की जाए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर ही इंग्लिश मीडियम मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। मदरसे के पीछे 16,902 वर्ग फीट की भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर दो फाटक छात्रों के आ जाने के लिए लगा रखी खेल का मैदान तैयार किया गया, जिसका एनरोलमेंट की कार्रवाई विचाराधीन चल रही है। इसके लिए हरिमोहन जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को पूरा कराने की कृपा करें। बच्चे करते सीखते हैं, इसलिए मदरसे के लिए साइंस लैब की अति आवश्यकता है। स्कूली योजना मदरसों में बाहरी बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं की घोषणा अध्याय के लिए मदरसे को स्कूली योजना में शामिल किया जाए। टेबलेट योजना पूरे मदरसा बोर्ड चेयरमैन।